हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पढ़चलन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सी एस आई नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज के टॉपिक्स को देखेंगे। ये हमारे इस टॉपिक का फिफ्थ नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑसिलेटरी सिक्वेंस। तो आज हम जानेंगे कि ऑसिलेटरी सिक्वेंस जो है आखिर होता क्या है। अगर आप हमारे इस टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ऑसिलेटरी सिक्वेंस जो होते हैं होता क्या है। व्हेन अ सीक्वेंस नाइदर कन्वर्जेस टू फाइनाइट लिमिट नॉर इट डाइवर्ज टू माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट डेफिनेटली, देन सच सीक्वेंस इज कॉल्ड एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस। देखो, शॉर्ट में मैं बता दूं कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस होता क्या है, कि अगर कोई सीक्वेंस जो कि किसी फाइनाइट लिमिट पर कन्वर्ज ना हो या फिर वो किसी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट पर डाइवर्ज भी ना हो, तो इस कंडीशन में जो सीक्वेंस होता है उसको हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। मतलब कि ये जो है कंफर्म नहीं होता कि वो सीक्वेंस जो है वो कोई फाइनाइट लिमिट लग रहा है कि वो इनफाइनाइट की तरफ डाइवर्ज हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम सीक्वेंस को ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस जो है ये टू टाइप से होते हैं, फाइनाइट ऑसिलेट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट ऑसिलेट सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनाइट ऑसिलेट सीक्वेंस। A sequence is said to be oscillate finitely if condition first it is bounded. जो sequence जो है वो bounded होना चाहिए and it neither converges nor diverges. Means ये जो है sequence जो है bounded होगा and वो जो sequence है ना तो converge होगा और ना ही diverge होगा, तो इस condition में हम उसको finite oscillate sequence कहेंगे। For example, हम एक example लेते हैं। देखिए, माइनस वन टू द पावर एन इज अ सीक्वेंस, हमने कोई सीक्वेंस लिया इज फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अब ये कैसे होगा, देखिए हम इसमें एन की वैल्यू अगर पुट अप करते जाते हैं तो हमारे पास माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन सो ऑन और भी वैल्यूज मिलेंगी जो कि माइनस वन एंड प्लस वन ही होगी। तो हमको यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर इसका रेंज जो है माइनस वन एंड प्लस वन, ओनली टू वैल्यूज आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये नहीं बता सकते कि ये जो है इनफाइनाइट की तरफ डाइवर्ज हो रही है कि नहीं, ये हो सकता है माइनस इनफाइनाइट या फिर प्लस इनफाइनाइट, इसकी तरफ जो है डाइवर्ज हो रही कि नहीं हम नहीं बता सकते। और कन्वर्जेंट की अगर बात करें कि इसका कोई पर्टिकुलर फाइनाइट लिमिट नहीं दिख रहा है, इसलिए ये जो सीक्वेंस हमारा होगा वो फाइनाइट ऑसिलेट सीक्वेंस होगा। आगे देखते हैं इनफाइनाइट ऑसिलेट सीक्वेंस। इसके नेम से ही हमको समझ आ रहा है इनफाइनाइट ऑसिलेट सीक्वेंस, इसका मतलब क्या है कि वो उसका अपोजिट होगा। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अ ऑसिलेट इनफाइनाइटली इफ द फर्स्ट कंडीशन इट इज नॉट बाउंडेड। मीन्स ये जो है सीक्वेंस वो अनबाउंडेड होंगे एंड इट इज नाइदर कन्वर्जेस नॉट डाइवर्जेस। मीन्स वो सीक्वेंस जो है कन्वर्ज भी नहीं हो रहा है या फिर डाइवर्ज भी नहीं हो रहा है, ये दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कि ये जो है इनफाइनाइट ऑसिलेट सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल, अब मैंने जो पिछला एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल में अगर एन का मल्टीप्लाई हो जाए मीन्स माइनस वन टू द पावर एन इन टू एन, तो ये जो है सीक्वेंस किस टाइप से बनेगा, माइनस वन टू माइनस थ्री फोर माइनस फाइव सो ऑन, ये आगे जो है ये चलते जाएंगे। तो ये हमको पता नहीं चल रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है कि माइनस। मींस ये जो है हमारा ना तो डाइवर्ज हो रहा है ना ही कन्वर्ज हो रहा है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस होगा वो इनफाइनाइट ऑसिलेट सीक्वेंस होगा। तो इसके कुछ नोट्स हैं, हम इसके नोट देख लेते हैं कि फर्स्ट, अ बॉन्डेड सीक्वेंस आइदर कन्वर्जेस और ऑसिलेट्स फाइनाइटली। सेकेंड नोट्स, एन अनबाउंडेड सीक्वेंस आइदर डाइवर्ज टू प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट, एंड वो कोई भी कंडीशन में या तो प्लस इनफाइनाइट में डाइवर्ज हो सकता है या फिर माइनस इनफाइनाइट की तरफ डाइवर्ज हो सकता है, और ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। तो हम ये कहेंगे कि अगर कन्वर्जेस की बात कर रहे हैं तो वो ऑसिलेटरी फाइनाइटली आ रहे हैं, एंड बाउंडेड सीक्वेंस एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस के लिए हम बता रहे हैं कि वो डाइवर्जेस हो रहे हैं या फिर वो क्या होंगे, ऑसिलेट इनफाइनाइटली होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।